पॉकेट मारो से सावधान रहे, इसलिए हम पॉकेट में कुछ रखे ही नहीं है। दूसरी दुनिया में हम ना चले जाएं। मतलब नहीं है बताइएगा। चश्मा हटा लीजिए, शायद तब दिखे। कर दिए इसका प्रचार हम। लीजिए ना, पकड़िए। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। एक दीजिएगा भैया। हाँ जी, हेलो नमस्कार, मैं हूँ सुगति पांडे और मेरे चैनल सुगति पांडे पे आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो हम आ गए एक और नई कंटेंट लेकर आप लोगों के सामने। बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन है हमारा पटना हाई कोर्ट, जो है वहीं पर हमारा लगा हुआ है लहासा मार्केट, जो कि ये रियल वाला है, ऑफिशियल हम इसे कह सकते हैं। ऐसे तो लहासा मार्केट पटना में काफ़ी जगह पर देखने को मिल रहा है, बट आप देखिए यहाँ पर है तिब्बती शरणार्थी संघ लहासा मार्केट। तो ये लहासा मार्केट है, ये बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो एक काम करते हैं, बात को आगे ना बढ़ाते हुए हम लोग डायरेक्ट अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसा कि आपको बताए हैं कि तिब्बती शरणार्थी संघ लहासा मार्केट है ये। तो एंट्री के साथ ही हम लोग को कुछ यहाँ पर वुलेन की ही चीजें ज्यादातर देखने को मिलती है। और सिंपल सी बात है, जो हमारा लहासा मार्केट है ना, वो वुलेन के कपड़ों को ही लेकर ज्यादा मशहूर है। भैया ये सबके प्राइजेस क्या रखा है? 100 रुपए। काफी लाइट वेटेड है भैया, काफी लाइट वेटेड है, देख सकते हो आप। सच्ची में लग रहा है ना, एक कागज उठाए हुए हैं ऐसा फील हो रहा है। फूड कोर्ट में हमें काफी सारी चीजें उधर देखने को मिलेगी। उससे पहले आप लोग इधर देख सकते हैं, ये है हमारा कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स। ये कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स क्या है भैया? बिजी लग रहे थे आप। ओके, ये बताइए ये कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स क्या है? इसमें आएगा अखरोट, आएगा बादाम, आएगा कश्मीरी केसर आएगा। क्या है ये? ये ब्लैक बेरी जैसा कुछ लग रहा है। ये ब्लैक चेरी है। अच्छा अच्छा, ब्लैक चेरी है। बस एक दीजिएगा भैया, देखते हैं ये क्या है। बीज बीज भी रहता है क्या? उसको हटाना होता है ना। टेस्टी है, टेस्टी है, ठीक है, थैंक यू भैया। इस तरफ हम लोग आते हैं तो कुछ हम लोग को ज्वेलरी देखने को मिलती है। जैसे कि आप लोग अगर मेरे पुराने दर्शक होंगे तो आपको पता होगा ज्वेलरी में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट ठीक है, जिन्हें पसंद होगा वो लोग ट्राई कर सकते। बड़ा सा एक एरिया में फूड कोर्ट है जहाँ पर काफी सारी चीजें दिख रही है। तो ये कब से लहासा मार्केट लगा हुआ, कब से है? 15 दिन हो गया ना, हम लेट हो गए, हम लेट हो गए आने में। और क्या चार्जेज आप लोग क्या क्या रखे हैं? बेल है, बटाटा पनीर है, पापड़ी चाट है, दही पापड़ी चाट है। प्राइस क्या है? प्राइस है 50। 50 सभी के? 50-50 बेल पूरी 50 है। अच्छा दही अच्छा, पूरी 50 है। बाकी सब 50 का। अच्छा, और ये कब तक रहने वाला है? 3 महीना तक है। 3 महीने तक रहता है। हम कहाँ थे कि हम इसके पहले कभी लहासा मार्केट में आए नहीं है, मेरा फर्स्ट टाइम है, दैट्स व्हाई हमको थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है। ओके थैंक यू। पाव भाजी है, पाव भाजी है भैया। हाँ, क्या ही फूड ब्लॉगर है यार, नाम हम नाक कटवा रहे फूड ब्लॉगर्स का। एक्सक्यूज मी, पिज्जा बन रहा है भैया? अवन में बना रहे हैं या कोई और देसी नुस्खा से बना रहे हैं? देसी नुस्खा से ही है ये। अच्छा अच्छा, मैदा का ही बेस बनता है। ओके, और उसमें भेज है ये, चीज है, पनीर है मिक्स करके। क्या आप, क्या प्राइस रखे हैं इसका? 100 रुपीज। 100 रुपीज। कहाँ गयी? हाँ हाँ, आइए आंटी, आइए आइए। अच्छा, बायोस्कोप है, वो तो समझ रहे, बट क्या है, कैसे देखना है? नहीं, दूसरी दुनिया में हम ना चले जाएं। बताइए, मेरे आंख तो अंदर जा रहे हैं, तो कैमरा में कैसे होगा रिकॉर्ड? हाँ। सुकृति पांडे की नजर से आप लोग देख लीजिएगा कि हम अंदर क्या देख रहे हैं। हाँ। अरे हाँ, दिखा दिखा कुछ तो दिखा। कुछ नहीं दिख रहा है तो। नहीं नहीं, कुछ दिख रहा है थोड़ा बहुत, आप चश्मा हटा लीजिए, शायद तब दिखे। आंटी बंद हो गया, हमको इससे ज्यादा तो बाहर दिख रहा है। अरे आंटी, तो बाहर इतना सारा चीज तो हम देख रहे हैं बिना पैसा लगाए हुए, अंदर 10 रुपए लगा के भी कुछ नहीं दिखा। और से देखिए, और से देखना पड़ेगा भाई, मेरा चश्मा घर पे छूट गया। कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, कुछ नहीं ये दिख रहा है कि हम लोग गायब से उल्लू बन गए। कुछ नहीं दिखा, आंख बंद करके कैसे देखा जाता है भाई? ये नया टेक्निक आया है। आपको कोई अभी देकर चले गए हैं, कोई और चलाते हैं? हाँ, हाँ, तो नहीं चल रहा है। फिर आते हैं उधर से घूम के, ठीक है ना, तब तक चला के रखिएगा। अब पर 10 रुपए नहीं दीजिएगा? अरे आंटी कहाँ भाग रही, लीजिए ना आपको 10 क्या 50 हम देके जाएंगे ऐसा बात? अरे पक्का ऐसा बात करते हैं, लीजिए ना, पकड़िए। आते हैं थोड़ा अंदर से बनाकर वीडियो। देखे वहाँ पर बायोस्कोप में कुछ दिखा नहीं, इससे ज्यादा तो बाहर दिख रहा है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वही ज्वेलरी, सेम चीज आपको ज्वेलरी वगैरह कॉस्मेटिक्स वगैरह देखने को मिल सकती है। फाउंडेशन किस कंपनी के है? एवलॉन, एवलॉन। ओके,
कॉस्मेटिक्स का थोड़ा हमको ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स को हम हाथ जोड़ते हैं, जैसे समझ में नहीं आता हमको ये सब चीज। ये मेरे सॉक्स वगैरह हो गया, बोले ना ये सर सारा का सारा। अच्छा ऐसे तो रिबॉक का भी आप रखे हैं। चावल के दाने पे नाम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। चावल के दाने पे कैसे नाम लिखते हैं, कुछ टेक्निक वगैरह होता है क्या होता है टेक्निक, थोड़ा हमको बताइएगा। काउंटर नहीं खोलेंगे हम। अच्छा देखिए चावल के दाने पे नाम है भाई, काफी खूबसूरत है। लीजिए भैया एक यहाँ पर काउंटर है, अगर आपको मन हो तो चावल के दाने पे अपना नाम लिखवा सकते हैं। क्या चार्जेस रखे हैं भैया आप? 150 से लेके 300 तक है। मेरे पे नहीं सेट करेगा ये सब, हम वॉलेट के साथ खुश रहते हैं। ऑयल है, क्या नाम है इसका? संजीवनी पेन ऑयल, इससे दर्द वर्द सब खत्म हो जाता है। अच्छा ये आपका दर्द निवारक तेल है, ठीक है। जैसे आपको कहीं पर चोट चपाट या कुछ लग गया है या फिर स्पाइनल वगैरह का भी इशू है, पीछे दर्द वर्द है, तो फिर आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं। कर दिए इसका प्रचार हम। मिक्सर चाह रही है भैया जी। और ये मिर्च वाला, लाल मिर्च का, लाल मिर्च वाला, छूने से खराब नहीं ना होगा? नहीं, मतलब वो भी हाथ से नहीं छू रहे हैं, घर का प्रोडक्ट है। क्या प्राइस रखे हैं आप? 280 रुपए केजी है। ये आंवले की है क्या? आंवला का मुरब्बा, पापड़ है। पापड़ है, इसका क्या प्राइस होगा? ये 25 का है। अच्छा ये 25 का है, चूरन है, तरह का चीज है, चलो देख सकते हैं। ये पता है ये सब देख रहे हैं तो बचपन का याद आ रहा है जी, ये सब बचपन का याद आ रहा है। कौन कौन सी वैरायटी आप रखते हैं? चिल्ली है, स्टीम है, फ्राई है, तीन आइटम। अच्छा तीन आइटम, ये तीन ही ज्यादा डिमांड में रहती है। फ्राई खा लेते हैं, नहीं तो स्टीम खा लेते हैं, वरना उसे ज्यादा कुछ मन हुआ तो चिली खा लेते हैं। मार्केट खुलने का जो समय है हमारा, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक है, पहले 9:30 लिखा हुआ था, काट दिया गया है, धोखा हो रहा है। और फरमाना इस तरफ देखिए, सिगरेट पीना सख्त मना है, नो स्मोकिंग, पॉकेट मारो से सावधान रहें, इसलिए हम पॉकेट में कुछ रखे ही नहीं है। ग्राहकों से अनुरोध है कि वे अपने सामान और मोबाइल की सुरक्षा स्वयं करें। जी बिल्कुल, ये यहाँ पर नहीं हर जगह पर ये लागू होता है, चाहे वो आप कहीं पर सफर कर रहे हो या कहीं भी जा रहे हो। देखिए बाहर तो हमारा फूड कोर्ट भी था, हमारा वहाँ पर काफी सारी चीज देखने को मिला, लाइक ज्वेलरी एंड काफी सारी चीजें मिले। जब अंदर आए ना तो ये हम लोग को मिला है असली लहासा मार्केट का मजा। लाइक यहाँ पर आपको वुलन के ड्रेसेस आपको दिखेंगे, आप स्वेटर ले सकते हो, स्कार्फ ले सकते हो, काफी सारी चीजें ले सकते हो। प्राइस क्या है इसकी? 1080 का है। और चार्जेस आपको वही रहेगी लमसम 500, 1000, 1500 इस तरीके से। मेन सेक्शन ही है, लड़कों का ही है। ये शॉल है भाई, कौन सा शॉल है, कुछ नाम वाम रहता है इसका? बड़ा दिक्कत है भाई मार्केट में, अरे बताओ बताओ के चक्कर में हम ही बता देते हैं कुछ, रुके ये कश्मीरी टाइप का लग रहा है। वुलेन, वुलेन है बट मतलब नहीं है, बताइएगा। 740 ओके। ये वाला शॉल हमको अच्छा लगा, वुलेन शॉल है आपका। बताइए कि ये कितने का पड़ेगा, ये सबका चार्ज आप क्या रखते हैं? प्राइस लगा है मैडम अलग अलग है, सब अच्छा। में टैग लगा दिया जाता है, जो भी प्राइस होता है एक दाम रहता है यहाँ पे, फिक्स रेट है सभी सेक्शन पे, जितनी भी जोन है सब जगह एक दाम। हाँ जी, ये लहासा मार्केट पूरा फिक्स है। अच्छा फिक्स है, पूरा का पूरा फिक्स है, सामान लीजिएगा सबका एक ही रेट रहेगा। सिर्फ आप देख सकते हैं बच्चों वाला जोन है, लाइक वहाँ पर आप चाहें तो छोटे छोटे बच्चों का कुछ भी ले सकते हैं, वुलन कपड़ा। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो हमारा ये मार्केट है तो बहुत बड़े में, बड़े एरिया में है ये मार्केट, यहाँ पर लगी हुई है काफी टाइम से और अभी ये जनवरी तक चलेगी। यहाँ पर लॉट्स ऑफ वैरायटीज मिल जाएगी, लाइक आपको कोटीज मिल जाएंगे, लड़कों का अलग अलग सेक्शन है, जो भी आप लेना चाहो, हुडीज एंड जैकेट्स ले सकते हो, लड़कियों का अलग अलग सेक्शन है, विमेन्स वेयर है, हाँ लेडीज वेयर। ओके क्या प्राइस है इसकी? 430। बबल्स भी निकलती है क्या ये सब में से? बबल्स नहीं निकलेगी, ठीक है आंटी, हैव अ नाइस डे, लुकिंग वेरी प्रीटी। एक एक शॉप पर जाकर थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लोगों तक हम लेकर आए हैं, एक एक का मतलब हर एक पे नहीं, एक एक, ठीक है, हर एक पे जाएंगे तो वीडियो नहीं, ये व्लॉग नहीं जाएगी, ये एक मूवी जाएगी, इसीलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पर अब कहा जाए तो स्थगित करेंगे, एंड करेंगे। काफी कुछ है यहाँ पर देखने को, आप आइए खरीदारी भी कीजिए, घूमिए फिरिए, मजे लीजिए, हमारे पटना में लगा हुआ है वो भी हाईकोर्ट के पास, और कहीं चाहिए, काफी ज्यादा हाईटेक एरिया है हमारा हाईकोर्ट। तो वीडियो को लंबी ना करते हुए हम यही बोलेंगे कि वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।